हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशि फल के बारे में, वीकली हॉरोस्कोप के बारे में, जो कि 6 मार्च से 12 मार्च तक का होगा। दोस्तों, अपने टॉपिक पर जाने से पहले आपके एक फायदे की बात बता दूं कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, यदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन हिंदी में जाए, वहाँ पर वीडियोज देखें। हम स्टेप बाय स्टेप वीडियोज अपलोड करते रहते हैं समय समय पर, वहाँ पर जाकर एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीख सकते हैं। यदि आप रेगुलर अपने राशिफल भी जानना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी के अपडेट जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, जो राशिफल होते हैं, एक बात आप समझ लीजिए, राशिफल, आपके खुद के राशिफल जानने से पहले एक बात आप समझ लीजिए, एक बात अच्छे से गांठ बांध लीजिए कि जो राशिफल होते हैं, चाहे आप राशिफल मुझसे सुन रहे हों या किसी और से भी सुन रहे हों या कहीं और देख रहे हों, जो राशिफल होते हैं वे ग्रहों के गोचर पर आधारित रहते हैं, सामान्य स्तर पर आधारित रहते हैं। ग्रहों के जो गोचर होते हैं, मान लीजिए मैं वीकली राशिफल बता रहा हूँ, अपना साप्ताहिक राशिफल बता रहा हूँ, तो इस सप्ताह में जो ग्रहों के गोचर हैं वो आपके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, अच्छे हैं तो किस क्षेत्र में अच्छे हैं, बुरे हैं तो किस क्षेत्र में बुरे हैं, मैं वो आपको बताऊँगा, मैं कोई भी और वो आपको बताता है। तो राशिफल जो होते हैं ग्रहों के गोचर पर होते हैं, लेकिन यदि आप एग्जैक्टली खुद के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए तीन चीज़ों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। पहली बात तो ग्रहों के गोचर जो राशिफल होते हैं जो मैं आपको बता दूंगा वो, प्लस आपकी जो खुद की जन्म कुंडली, आपका जो बर्थ चार्ट है, आपके जन्म के समय जहाँ पर सारे ग्रह प्लेस्ड थे, कहने का मतलब जो जन्म कुंडली है उसका ध्यान रखना है, दूसरी बात, ठीक है। और तीसरी बात ये कि आपको किस ग्रह की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इन तीन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे, तब जाकर आपको एग्जैक्टली खुद के बारे में, पर्सनली आपके बारे में आपको एक रिजल्ट निकल के आएगा जो कि 100% आपके लिए सही रहेगा। तो जो राशिफल हो बता रहा हूँ मैं, वो एक ग्रहों के गोचर पर आधारित है और ये एग्जैक्टली पूरा फिट आपके ऊपर नहीं बैठेगा, लेकिन हाँ, इससे आपको ये जानकारी ज़रूर मिल जाएगी कि इस वीक में या इस मंथ में या इस ईयर में जो भी राशिफल होता है, चूँकि हम यहाँ पर वीकली राशिफल बता रहे हैं, तो इस वीक में आपके लिए जो ग्रहों के गोचर हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, और अच्छे हैं तो किस क्षेत्र में अच्छे हैं, बुरे हैं तो किस क्षेत्र में बुरे हैं। दोस्तों, मेष राशि की बात करें, चूंकि चंद्र राशि पर ये राशिफल है, तो मेष राशि की बात करें तो आपके लिए ये जो वीक है ये बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, हर क्षेत्र में ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आर्थिक मामलों में बात किया जाए तो आर्थिक तौर पर भी आपको सफलताएँ हैं, आपके नौकरी और व्यवसाय में आपको सफलताएँ हैं, संतान पक्ष में आपको सफलताएँ हैं, जीवन साथी और परिवार के संबंध में भी आपको सफलताओं के योग दिख रहे हैं। बस एक नेगेटिव चीज़ ये दिख रही है कि आप का जो कॉन्फिडेंस है वो तो बड़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन ध्यान रहे ये कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए, तो अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखें, अपने क्रोध पर भी थोड़ा कंट्रोल रखें, थोड़ा बोलने में परहेज रखें, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो हो सकता है कि यदि आप, चूंकि समय तो अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कुछ ऐसा कर जाएं, कुछ गलत कर जाएं, गलत बोल जाएं, जिससे आपको आगे चल के कुछ ना कुछ परेशानी का सामना करना पड़े। दोस्तों, वृषभ राशि की यदि बात करें तो आपके लिए भी ये समय बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, आर्थिक तौर पर भी ये समय बहुत अच्छा है, नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत अच्छा है, अपने संतान को लेकर के भी ये समय बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य को लेकर के भी समय अच्छा है, लेकिन आपको जहाँ पर दिक्कत परेशानी है वहाँ वो जगह है आपके परिवार के सदस्य, परिवार के सदस्य, मित्र या फिर आपके नौकरी व्यवसाय आप जहाँ करते हैं वहाँ के कलीग्स, उनसे हो सकता है कि आपका मन मुटाव हो या फिर छोटा मोटा कुछ विवाद हो, तो विवाद की स्थिति बनने के आपके योग बने हुए हैं, तो थोड़ा सा खुद पर काबू रखें, खुद पर कंट्रोल रखें और इस तरह से रहें कि विवाद की उम्मीद, विवाद के योग ना बने। दोस्तों, यदि आपकी मिथुन राशि है तो आपके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, आप यदि नौकरी करते हैं तो आपके प्रमोशन के योग बने हुए हैं, यदि आप व्यवसाय करते हैं तो वहाँ पर भी आपके लाभ के योग बने हुए हैं, आर्थिक तौर पर भी ये समय बहुत अच्छा है, प्रेम संबंध के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, संतान को लेकर के भी ये समय बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल यदि आपके इस वीक की बात की जाए तो आपके इस वीक में बहुत अच्छी आपको खुशखबरी मिलने वाली है, तो ओवरऑल आपका ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है।
दोस्तों यदि कर्क राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको बिल्कुल नौकरी मिलने की संभावनाएं हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके प्रमोशन के योग भी बने हुए हैं। यदि आप व्यवसाय सेटअप करना चाह रहे हैं या व्यवसाय में बढ़ोतरी करना चाह रहे हैं, व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। संतान को लेकर ये समय बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रह सकता है, हो सकता है पेट में छोटी मोटी तकलीफें रहें, लेकिन ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा है। दोस्तों सिंह राशि के जातकों की यदि बात करें तो आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। नौकरी व्यवसाय को लेकर यह समय बहुत अच्छा है। नौकरी में पदोन्नति के योग आपको बने हुए हैं। यदि आप शिक्षा में हैं, यदि आप छात्र हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, तो आपको भी सफलता मिलने के पूरे योग हैं। तकलीफ यहाँ पर है कि आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव बन सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखें। थोड़ा खाने पीने की चीज़ों से बचें, क्योंकि पेट संबंधी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, हो सकता है फीवर आ जाए, छोटा मोटा बुखार जिसे कहते हैं, तो छोटी मोटी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आपको बनी रह सकती है। इसके अलावा आपके लिए समय बहुत अच्छा जाएगा। दोस्तों कन्या राशि की यदि बात करें तो आपके लिए समय मध्यम है, मीडियम है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहेंगे, ज़्यादा बुरा भी नहीं कहेंगे। यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपकी विवाद के योग बन सकते हैं अपने कलीग से, अपने बॉस से। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो वहाँ पर जो आपके लिए काम करने वाले लोग हैं उनसे भी कुछ ना कुछ आपका मनमुटाव हो सकता है। हो सकता है कि वो लोग आपके मुँह पर कुछ ना कहें, लेकिन उनसे आपका एक मनमुटाव बन सकता है। आप यदि शिक्षा में है, यदि स्टूडेंट है, यदि छात्र हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। मेहनत कीजिए और सफल होइए। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन फैमिली की यदि बात करें तो फैमिली के लिए समय बहुत अच्छा है। जीवन साथी को लेकर यह समय बहुत अच्छा है, परिवार के सदस्यों को लेकर यह समय आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। दोस्तों तुला राशि के जातकों की यदि बात करें तो आपके लिए भी समय मध्यम है, ज़्यादा बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। नौकरी और व्यवसाय की बात करें तो आपके लिए भी नौकरी व्यवसाय में छोटी मोटी दिक्कत एक बनी रहेगी, आर्थिक मामलों में भी छोटी मोटी दिक्कत बनी रहेगी, लेकिन परिवार के सदस्य आपका इस वीक बहुत साथ देने वाले हैं। जीवन साथी से आपकी अच्छी बनने वाली है, आपको प्रॉपर समय मिलने वाला है जीवन साथी के साथ टाइम स्पेंड करने का। उसके अलावा यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सा सतर्क रहें, हालांकि उतनी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहें, खाने पीने की चीज़ों से बचे थोड़ा। दोस्तों यदि वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए नौकरी व्यवसाय को लेकर यह समय अच्छा है, आर्थिक मामलों को लेकर यह समय अच्छा है, लेकिन एक जगह जो जहां परेशानी दिख रही है वो है यदि आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, यदि आप मकान खरीदना चाहते हैं, यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं, या कोई महंगी वस्तु यदि आप खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सतर्कता बनाए रखें, थोड़ी सावधानी के साथ खरीदें, क्योंकि इस वीक धोखाधड़ी का योग हो सकता है आपके साथ बने। तो यदि इस वीक खरीदना ज़्यादा ज़रूरी है तो सावधानी के साथ खरीदें, नहीं तो उसे नेक्स्ट वीक पर टाल दें, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इस वीक आपको मानसिक तनाव के योग भी हैं, तो मेरी सलाह आपको यह है कि ज्यादा तनाव ना पालें, ज्यादा टेंशन ना लें, उससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। बाकी उसके अलावा आर्थिक मामलों में आपका समय अच्छा है, तो ज्यादा टेंशन ना लें। और जो मैंने दूसरी बात कही कि महंगी वस्तुएं जो आप खरीद रहे हैं उसमें थोड़ा सा सावधानी रखें। दोस्तों यदि धनु राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए जो ये वीक है ये थोड़ा सा नेगेटिव वीक नज़र आ रहा है, विपरीत योग बने हुए हैं आपके लिए। यदि नौकरी व्यवसाय की बात करें तो नौकरी व्यवसाय में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आर्थिक मामलों में भी दिक्कतें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संतान को लेकर आपको चिंता बनी रह सकती है, पारिवारिक सदस्यों को लेकर आपको चिंता बनी रह सकती है, तो आपके लिए जो ये वीक है थोड़ा सा नेगेटिव वीक लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा संयम बरतें, समय निकलने की प्रतीक्षा करें, आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों मकर राशि की यदि बात करें तो आपके लिए भी थोड़ी सी दिक्कतें नज़र आ रही है, आर्थिक मामलों में भी दिक्कतें नज़र आ रही है, नौकरी व्यवसाय को लेकर दिक्कतें नज़र आ रही है, लेकिन जो जीवन साथी है उनसे आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं, मधुर रहने वाले हैं, परिवार के सदस्यों से आपके संबंध मधुर रहने वाले हैं, संतान को लेकर के भी आपको संतुष्टि बनी रहेगी। स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा इस वीक। दोस्तों कुंभ राशि के जातकों की यदि बात करें तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये समय आप पर निर्भर है। आपके नौकरी और व्यवसाय के लिए समय बहुत अच्छा है, आपके संतान के लिए समय बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई यदि करते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन आपके और कॉन्फिडेंस के योग बने हुए हैं। और कॉन्फिडेंस में आकर यदि आप कुछ ऐसा वैसा कर गए या कुछ गलत बोल गए तो आपके लिए समय खराब भी हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि समय आप पर निर्भर है, तो अपनी
जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसे थोड़ा सा कम करें, कॉन्फिडेंस में लाएं। कॉन्फिडेंस रहना अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट रहना बुरी बात है। तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, और बाकी यदि ओवर कॉन्फिडेंस से आप बच जाएंगे तो आपके लिए समय बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों मीन राशि के जातकों की यदि बात करें तो आपके लिए समय बहुत अच्छा नजर आ रहा है। नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत अच्छा है, आर्थिक मामलों में समय बहुत अच्छा है, संतान को लेकर यह समय बहुत अच्छा है, जीवन साथी या परिवार को लेकर भी समय अच्छा है, प्रेम संबंधों को लेकर समय अच्छा है, तो ओवरऑल आपके लिए समय बहुत अच्छा है। दोस्तों चलिए ये अपने राशिफल हो गए हैं और ये हमने 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक के राशिफल आपको बताए। दोस्तों इसके साथ साथ एक बार फिर मैं आपको आपके फायदे की बात बता दूं कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, यदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाएं, वहां पर वीडियोज देखें, हम स्टेप बाय स्टेप वीडियोज अपलोड करते रहते हैं समय समय पर, वहां पर जाकर आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीख सकते हैं। यदि आप अपने राशिफल रेगुलर जानना चाहते हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजी के अपडेट जानना चाहते हैं जैसे शनि साढ़े साथी या ग्रहों के गोचर या सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इत्यादि, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।